सब में श्रेष्ठ भगवान विष्णु के ऐल मानल गेले ना कैसे हुनका से सब विस्तार होइ छे। अपना सब जीव जे छे जीव 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 देखो तीन शक्ति छे, एकटा छे भगवान विष्णु आ हुनकर स्वयं विस्तारित अवतार आ ओकर एक्स्ट्रा विस्तार शंभु तत्व, आ दोसर शक्ति छी अपना सब जीव। तो कई जना हम आपको कहलो अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति तटस्थ शक्ति, इकरे तत्व ज्ञान का बात है बुझना जरूरी छे। तो जीव जे छे से तटस्थ शक्ति माना गेले, तटस्थ किया तो ओ अपन इच्छा से माया के प्रभाव में जी सकेया, अपन इच्छा से वो अंतरंगा शक्ति यानी आध्यात्मिक जगत में अपन जीवन चेतना का विकसित कर सके। जना आप सब देखबे नदी का किनारा में पानी छे आ जमीनो छे, बात बुझलिए, कोई जगह रह बेटा पानी में जा सके छे हां जमीनो पर रह सके छे। कोई ना जीव जे छे जे ई संसार में रह चाहे छे, ई आठ धातु का बनल संसार में रह चाहे छे, भूमि रपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच अहंकारम कियम ने भिन्ना प्रकृति नष्ट धा। भगवान के जितनी आठ धातु से बनली संसार में जे जीव रहे छे वो बद्ध जीव कहल जाय छे। की कहल जाय छे? हां अपने आप के आठ धातु से बन लेलो, ई आके जे शरीर है ई आठ धातु का बनल है, ई शरीर पांच धातु का, अंदर में मन बुद्धि अहंकार ई आठ धातु में अपना आप का अपना सब बन लेलो। आ चाही आठ धातु को छोड़ के अपन चेतना का भगवान में लगा के मुक्त हो सके। तो पद्म पुराण में शिव जी कहते हैं देवी के जे तदिया नाम समर्चनम, ओहु से श्रेष्ठ छथिन वैष्णव गण, किया तो अपने उद्धार होइ छथिन ना अंको उद्धार करे के लेल मदद करे छथिन। तो शिव जी का एकटा तत्व के दृष्टि से तीनों गुणों का तीनों गुण होइ छे, तीनटा गुण होइ छे सत्व गुण रजो गुण तमो गुण। ते तीनों गुण के ई संसार में प्रतीत करे वाला हो शिव जी छे। तो भागवत पुराण में विशेष दशम स्कंध में शिव शक्ति युक्त युतः शाश्वत त्रिलिंग त्रिलिंगो गुण समृद्ध वैकारिक तेजसश्च तामसश्चेति अहम प्रीधा। ये तीनों गुण का प्रतीकात्मक रूप से शिवलिंग माने गए हैं। तो एक बार माता पार्वती शिव जी से सवाल जवाब करके तो पूरा जे शिव और पार्वती के बीच में संवाद छे आध्यात्मिक विषय के बारे में एक रिकॉर्ड व्यासदेव जी पद्म पुराण में कहने छे। ओकरा गणेश जी लिखल छे, जैसे गणेश जी वह विद्वान कोई लेवल पर चला जे लिख सके चला। तो पूरा पद्म पुराण जे छे ओ भगवान शिव जी और पार्वती के बीच में संवाद छे। तो शिव पार्वती चर्चा करे छथिन, तो पार्वती जी पूछे छथिन जे प्रभु आहां के ध्यान मग्न होई छे आहां के कर चिंतन करे छे। तो शिव जी कहे छथिन हमर पाछू कहियो, तो जवाब में कहे छथिन राम राम रामेति राम रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम राम वराणने। वो कहे छथिन हम अपन नाम केकर नाम लेत रही छी राम 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 राम। हमारे पहिनो कोन रिजन काशी में केकरो मृत्यु भ जाय छे तो भगवान शिव जी ओकर कान में आके कहे छथिन की कहे छथिन राम 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 राम। तो भगवान शिव जी छथिन ओ जीव के अपन शाश्वत स्थिति में स्थित करे लेल मदद करे छथिन। हां तो कहलखिन जे जीव जे छे ओहि संसार में भटकत रहिए आ तमोगुणी कार्य में पूरा लागल रहे भांग खेलो गांजा फुकलो
दारू पीलो एहन काज केला के बाद कनिये कनिये मनोभक्ति करे के इच्छा हुई। अब विष्णु जे छै से सत्व गुण के आधार मानल देखिन आ विष्णु का भोग लगवे छै तो प्याजो लहसुन आ नहीं दो सके छै। तो अगर एना नियम बना देवे तो फिर जे तमोगुणी व्यक्ति छै ओ केना भक्ति करते। ते भगवान की करे जेथिन विस्तार भ जाय जेथिन महादेव के रूप में आ कहीं में कोनो प्रॉब्लम नहीं आ हमरा लग आयो आ पैसू गांजा फूको हम छी साइड में महादेव जी बड़ दयालु छथिन फिर आ जेना छी तेना छी हमरा लग। ते महादेव का भक्त वैष्णव से बेसी महादेव के भक्त होई छथिन किया है ये तो महादेव का भक्त चला खड़ा हो जा खड़ा हो जा सुधर गया सब प्रकार का महादेव का आशीर्वाद लेकर बैठे छे इनका हाथ में आशीर्वाद दियो जी अब शुद्ध मार्ग पर लगला है सत्वगुण मार्ग पर लगला सब जोरदार हरि बोल करियो हरि बोल। आश्रम में पहिना इनका पूरा गैंग की काज करे छे लेकिन आप प्रभु एकदम भगवान का नाम लोग देखियो गोबिया तिलक लगा कर धोती कुर्ता लगा हरे कृष्णा बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाम अनंत छे ले तो सच में ले तो भगवान इतने भोला छे एतेक दयालु छै हुनका ई संसार से कोनो लेना देना नहीं छै। शिव जी का शिव के मतलब छै शुद्ध पवित्र ऑस्पिशियस इंग्लिश में बड़ा ऑस्पिशियस कहते हैं। शिव जी वैरागियों में वैरागी छै हुनकर वैराग्य के सीमा अनंत छै कोई संसार का कोनो चीज उनका लिप्त नहीं छै कोनो आसक्ति नहीं छै लेकिन सती का निरंतर तपस्या करेत 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 सती का केवल अपन भक्त की इच्छा पूरा करेंगे सती से न ब्याह के सती से न ब्याह के लेकिन सती तो पुत्री चली दक्ष के आ दक्ष प्रजापति चला प्रजापति यानी जे इस संसार में सृष्टि का सृजन करे छे ओकरा प्रजापति कहल जाय छे। तो दक्ष जे छला एक दिन यज्ञ केलखिन की केलखिन यज्ञ समुचित मानव कल्याण के लिए यज्ञ आयोजन केलखिन आ सब गोटा यज्ञ के लिए जा रहल छले लेकिन यज्ञ के आमंत्रण किनका नहीं भेटले महादेव जी के नहीं भेटले किया नहीं बैठले तो दक्ष अपन बेटी का ब्याह ब्रह्मा जी का कहला पर अनेक हट भेले तो ब्रह्मा जी का कहला पर ब्याह शिव जी से करा देते आ शिव जी का कोई इंटरेस्ट नहीं रहे यार ने हमारा सत्य चाहिए ना हमारे प्राण चले जाते। शिव जी का एक शब्द है ओ त्रिगुणा तीन गुण से पर छे उनका कोई इच्छा नहीं थी वैरागी छे वैरागियों में वैरागी छे ब्रह्मा का कोई बच्चा अंदर नहीं आएगा ब्रह्मा का कोई बच्चा अंदर नहीं आएगा बाहर जाओ सबको बाहर जाओ सबको बाहर जाओ ब्रह्मा का कोई बच्चा नहीं बाहर जाओ। तुम लोग एक आता है फिर मेकअप वाला आता है फिर इधर डिस्टर्ब करता है नहीं मेरा क्लास में डिस्टर्ब होता है तो मैं उतर जाएगा तो ध्यान दियो हम मेकअप को कह इंग्लिश में कहे प्ले वही प्ले डांस वही डांस खेला कल में खेलाओ पढ़े कल में पढ़ू नचे कल में नचो ये तो हम कथा कह रहे बच्चा तो क्यों डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो रहा का टाइम हो गया हम नीचा भी देते हम थोड़े हल्ला करेंगे रहा नाचो वह गोल 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 सब वह गाना में गोल 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 से चल हम कहीं कहीं से लेकिन हमारे समय अपना टाइम आएगा
नमः पार्वती बले हर हर महादेव। एकदम शांत हो, एकदम शांत सब लोग। एकदम दीर्घ सांस लिया, सांस लिया सब लोग। आते हो डिस्टर्ब नहीं करो, शिव जी का बादशाह महादेव जी देख शांति। अरे डिस्टर्ब करता है बच्चा दो खींच के लग जाओ, इधर बैठ के कोई डिसिप्लिन नहीं तो सीधा बैठ जाओ। तो शिव जी का आमंत्रण नहीं दे रहे, क्या ले दे रहे? तो दक्ष का अंदर से गुस्सा चले, जलन चले, द्वेष चले। शिव जी का प्रति कौन द्वेष? वो कहियो के करो बुरा नहीं कल की ना, कोई माइंड ले चो दौ दे चे ना, मन चल जाए चे कहियो किसी नहीं कही चे, कोई इनका उल्टो कही दे चे, उनका अपशब्दो कही दे चे, वो बेचारा के करो किसी नहीं कही चे। तेरे आदमी से की द्वेष, लेकिन हमार बेटी का ब्याह उनका से कर पड़ ले, वो द्वेष के खेल आओ तो नहीं पूरा जे यज्ञ छले ओनो गाय गए छलखिन शिव जी का की कहलखिन सुनो। वो कहलखिन अब वो श्लोक हम की पढ़ा, श्लोक में समय लागे ओना ई सुनियो का गुस्सा होता